प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ बताया। साझा प्रेस वार्ता में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद की भर्त्सना की। दोनों देशों के बीच वाणिज्य और कौशल विकास के क्षेत्र में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ता आतंकवाद और विशेष रूप से सीमा पार से आया आतंकवाद और कट्टरपंथ का उदय हमारी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। इस मौके पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने कहा कि सिंगापुर सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा का ऐलान किया। मौद्रिक नीति में रेपो दर को 4.5% घटा दिया है। रेपो रेट अब 6.5% से 6.25% हो गई है, तो वहीं रिवर्स रेपो रेट अब 6% से 6.75% हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रास में युद्ध स्मारक में सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने करगिल में स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। राजनाथ सिंह लेह और करगिल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कर्नाटक आखिरकार कावेरी का पानी जलाशयों में छोड़ने को तैयार हो गया है। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो उसके फैसले को लागू करेगा। 6 अक्टूबर तक रोज 36,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देगा। इस बीच केंद्र ने 2 राज्यों के बीच जल विवाद में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान की ओर से पिछले 24 घंटों में 5 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। बीएसएफ के शहीद जवान नितिन कुमार को गृहनगर यूपी के इटावा में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बारामूला में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए नितिन को हजारों की संख्या में लोग विदाई देने पहुंचे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में कानपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। 32 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च होगी। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्मार्ट सिटी होंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव मदद मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भारत की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जब सारा देश सुरक्षा को लेकर एक स्वर में बोल रहा है, तो वहीं देश के एक मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जनता द्वारा की जा रही शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के आने के बाद जहां पहले 1 साल में कुल 2 लाख शिकायतें आई थी, तो वहीं अगले साल ये बढ़कर 6 लाख प्रतिवर्ष हो गई। इससे पता चलता है कि जनता का भरोसा इस बात को लेकर बढ़ा है कि उनकी शिकायतों पर सुनवाई हो रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ओडिशा में जापानी दिमागी बुखार का प्रकोप जारी है। राज्य में इस महामारी से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीमारी का प्रकोप मलकानगिरी जिले के 3 जनजातीय बहुल खंडों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री अतनु सभ्यसाची नायक और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। रूस ने अमेरिका के साथ रिश्तों में बढ़ती तकरार के बीच हथियारों में इस्तेमाल के लायक अतिरिक्त प्लूटोनियम को नष्ट करने संबंधी एक समझौते को निलंबित कर दिया है। साल 2000 में हुए इस समझौते के तहत दोनों देशों को करीब 34 टन प्लूटोनियम को संयंत्रों में जलाकर खत्म करना था। आतंकवादी संगठन आईएस के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खाने में कथित तौर पर जहर दिया गया, जिससे बगदादी की हालत गंभीर बनी हुई है। एक अखबार की सोमवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक नीनेवे के बेयाज जिले में बगदादी और आईएस के 3 अन्य कमांडरों के लिए बने भोजन में कथित तौर पर जहर मिला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति और बीसीसीआई के बीच बढ़े टकराव के बीच जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के बीच जारी शिकार किया।